الله بركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينصر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العليم العظيم सुर इमरान की आयत नंबर सेवेंटी सेवन सतहत्तर है इससे पहले अल्लाह तबारक तौला ने यहूदियों के हवाले से बयान फरमाया कि यहूदी जो है वो अमानत में खयान यहूदियों में से कुछ ऐसे हैं जो अमानत में खयानत करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अमानत दारी का काम करते हैं उसका शान नजल वगैरह सब मैंने गुजत तफ़िर में आयत नंबर छिहत्तर में बयान किया था अमानत दारी इतनी अजीम चीज़ है ऐसी यानी इतनी बड़ी चीज़ है कि अल्लाह ताला अमानत दारी की वजह से किसी काफिर को ईमान अता फरमा दे और अगर ईमान वाला हो तो अल्लाह जन्नत अता फरमा दे सिर्फ ईमानदारी की वजह से बंदा अमानत में खयानत ना करे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अहले मक्का ने अमीन कहा सादी को अमीन सच्चे हैं और अमानतदार हैं तो एक सच झूठ ना बोले सच बोले और दूसरा है अमानत है ना न करना किसी की अमानत में और ये अमानतें बहुत सी किस्म की होती हैं बंदा जो है उन अमानतों का ख़्याल रखें अपने वादों को पूरा करे सच बोले झूठ न बोले तो अल्लाह तबरको तारा इन्हीं बातों पर जन्नत अरमा दे और अगर वो साहिब ईमान ना हो तो अल्लाह उसे ईमानता फ़रमा दे ईमान की दौलत से नवाज दे वादा पूरा करना ये भी बहुत ज़रूरी है यहूदियों के तल्क से अल्लाह ने फरमाया कि कुछ वह हैं कि जो वादा पूरा करते हैं और बेशक अल्लाह तबरको तो तला तक्वा शार लोगों को पसंद फरमाता है ऐसे ही लोगों को अल्लाह पसंद फरमाता है <स्थाँगा> लेकिन ये कि अगर कोई नाजायज़ वादा किया हो तो फिर उससे पूरा करना हराम कोई नाजायज़ वादा किया हमने तो अब ज़रूरी नहीं है कि नहीं यार मैंने वादा किया मुझे पूरा करना ही पड़ेगा ऐसे बहुत से लोग होते हैं वादा कुछ भी कर लेते हैं ये यानी कि वादा है कसम है नजर मन्नत मानना आदमी कुछ भी करता है सोचता समझता नहीं है कि ये शरीयत इसकी इजाज़त देती भी है या नहीं देती वो कर लेता है और यानी ऐसा तो करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऐसा किया यानी वो नजर मानिए तो करना पड़ता लेकिन शरीयत ने उस नज़र को नजर माना कि नहीं शरीयत ने उसे मन्नत माना कि नहीं माना और वो मन्नत यानी कि पूरी करना ज़रूरी है या नहीं है ये बंदा जो है समझने के लिए तैयार नहीं होता तो नाजायज़ वादे को पूरा करना ये हराम है इसी तरह से नाजायज़ माल की अमानत रखना ये भी हराम है नाजायज माल की यानी कि शराब की आमदनी जो होती हो या जुए से जो तो वो आप अमानतदारी से रखें कि नहीं मैं संभाल के रखूँगा कहते हैं ये भी हराम है वो काम ही न करे। ना करे है ना इसलिए कि ये काम करने वाला भी शराब बेचने वाले और जुआ खिलाने वाले के साथ पार्टनर और शरीक हो जाएंगे इसी तरह से अगर किसी ने बाई चांस यानी ऐसी कसम खा ली या किसी ने किसी से शराब पीने का या चोरी या कुफ्र करने का वादा ले लिया कि वादा करके तू तो चोरी करेगा कभी छोड़ेगा नहीं अब वो उसी पर डटा हुआ है, ने मैंने वादा किया प्रॉमिस किया मैंने वादा किया है तो मैं वादा नहीं तोड़ सकता चोरी तो मैं मुझे करते रहना पड़ेगी है ना चोरी में साथ देना ही पड़ेगा तो कहते हैं शराब पीने में तो साथ देना ही पड़ेगा मैंने अपने दोस्त से या फला से वादा किया कि नहीं शराब तो पीनी यानी पीता रहूँगा छोड़ूंगा नहीं तो ये सारे वादे पूरे करना ज़रूरी नहीं है इसी तरह से अगर कोई बंदा किसी मजलिस में हो या दो चार आदमी बैठ के बात कर रहे हैं उनके दरमियान जो बात होना तो वो बात भी अमानत होती है ऐसे और भी बहुत सी अमानत है कोई चीज़ रखने के लिए दी वो भी अमानत है लेकिन किसी ने यानी कोई पड़ोसी जा रहा था कहीं और कह कर गया कि मेरे घर वालों का ख्याल रखना देखना तो ये भी अमानत है अब बंदा खुद ही वहाँ से शुरू कर दे तो ये भी अमानत में खयानत है है ना तो ये अमानत लेकिन एक मजलिस की जो बातें होती है वो उसी मजलिस तक महदूद रखना वहाँ से एक भी बात बाहर लीक ना हो ये भी अमानत है अगर लीक हुई आपने एक बात भी बता दी खयानत हो जाएगी अगर चाहे वो कैसी भी बात हो तो अमानत में हाँ ये और बात है कि भाई कोई चोरी की प्लानिंग कर रहा था आपको पता चल गया तो अब वो बात अमानत नहीं है अपने भाई को चोरी के यानी चोरी से बचाना उसका माल चोरी हो जाएगा अगर आपने नहीं बताया तो चोरी होगा तो उससे बचाना ये ज़्यादा ज़रूरी है इसी तरह से यानी कि किसी का ऐब हमें पता चल गया और कोई नहीं जानता देख, दो चीज़ें हैं दो बंदे हैं और मैं हमेशा बयान करता हूँ कि दो बंदे हैं एक बंदा वो है जो खुलेआम गुनाह करता है और एक बंदा वो है जो छुप कर गुनाह करता है दो बंदे हैं गुना ये भी करता है गुना वो भी करता है सेम गुना फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल ले लें एक ही गुना फिल्म देखना एक गुना है फिल्म देखना गुना है कि उसमें नाच होता है गाने होते हैं डांस होता है औरतें होती है म्यूजिक होता है सारी चीज़ें सारे खुराफा तो अब ये देखना हराम गुनाह एक ही है लेकिन एक बंदा जो वो ऐसा सीना ठोक कर जाता है देखने के लिए और एक बंदा जो चुपके से देख लेता है एक बंदा चुपके से देखता है और एक बंदा सीना ठोक कर जाता है और खुले में एकदम बिल्कुल बयान करके के अरे मैं तो देखता हूँ चल तू भी चल है ना ऐसा दावत देने वाला बंदा तो एक बंदा के जो खोल कर बयान कर दे अपने गुनाह को या खुलेआम देखने जा के हर कर हर कोई जानता कि ये पिक्चर देखने जा रहा है या देख कर आया और एक बंदा छुपके से देख लिया किसी को पता भी नहीं है कि उसने देख लिया है ना एक बंदा बातें कर रहा है पठान में तो ऐसा है वैसा है फना ढिकना है ना और वो दूसरा बंदा जिसने देखा हुआ है वो ऐसे हैं हैं ऐसे कर रहा है जैसे उसको पता ही नहीं है तो गुनाह तो दोनों ने किए हैं गुनाह दोनों ने किए लेकिन एक खुला हुआ है और एक छुपा हुआ है तो जो खुला हुआ है वो फासीिक मिन कहलाया जाता है फासिक के मॉलन कहलाया जाता है जिसने छुप कर किया वो भी फ़ासिक है लेकिन मॉलिन नहीं है यानी कि खुला हुआ फासिक नहीं है फासिक है लेकिन खुला हुआ नहीं है तो ऐसा यानी कि खुला हुआ फासिक अब ये कि अल्लाह के रसूल की हदीस मुबारक इसको इस यानी कि हदीस के की रोशनी में समझें तो ये बात बड़ी प्यारी है कि अल्लाह के रसूल ने अरसाद फरमाया अल्लाह ने जिसे दुनिया में छुपा लिया कयामत में भी छुपा लेगा अल्लाह ने जिसे दुनिया में छुपा लिया अल्लाह उसे कयामत में भी छुपा लेगा और जिसे अल्लाह ने दुनिया में खोल दिया कयामत में भी उसे खोल देगा अब जब दुनिया में अगर खुला है तो क्यामत में भी खुलेगा तो फिर जहन्नम के बगैर उसका कोई रास्ता नहीं है कोई चारा नहीं है और यहाँ छुपा रहा क़यामत में भी छुपेगा तो छुपेगा कैसे जहन्नम में जा रहा होगा तो थोड़ी ना छुपेगा अरे इससे कैसे कैसे काम किए होंगे जहन्नम में जा रहा है नहीं वो छुपेगा यूँ कि अल्लाह उसके ऐप पर ऐसा पर्दा डालेगा है है ना है, ये 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 हाँ हाँ ठीक है चाह माफ़ किया जन्नत में चला जा ये इस तरह की माफ़ी होगी अल्लाह वहाँ भी छुपा लेगा ये एक यानी कि बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है तो अगर कोई बंदा भाई इंसान है गुनाह खता गलतियाँ ख़तएँ सब होता रहता है लेकिन अगर हुआ तो फिर उसका इजहार ना करे उसे छुपाए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी पूछ लेता है भाई बातें चल रही थी तो उसमें जब आपने भी देखी ना देखी ना तो अब हाँ हाँ बिल्कुल देखी नहीं नहीं देखी देखी हो फिर भी कहो क्यों नहीं देखी देखी हो फिर भी कहो कि नहीं देखी इसलिए कि ये बोलना कि हाँ देखी ये गुनाह का इजहार है और आपने कह दिया नहीं नहीं देखी पता चला आपने अपना गुनाह छुपाया है अल्लाह भी आपका छुपा लेगा ये एक यानी बहुत हाँ अलबत्त अब, अब 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 एक एक पॉइंट और एक मसला ये आता है कि लड़की का रिश्ता आया है लड़के वालों ने देखना लड़की को अब वो छानबीन करते हैं कि लड़की कैसी है या लड़की वाले लड़के की छानबीन करते हैं दोनों एक तरफ दूसरे की छानबीन करते हैं रिश्ते के लिए तो अब मोहल्ले वाले क्या सोचते हैं या आस पड़ोस वाले जो जानते हैं वो क्या सोचते हैं कि नहीं यार किसी की बुराई तो नहीं करनी चाहिए ना वो कैसा भी अपने में यार बुराई तो नहीं करनी चाहिए वो ये सोचते हैं ये गलत सोच है वो जैसा हो बयान करो जैसे कि उसकी ज़िंदगी का सवाल है यार तुम उसकी लाइफ बर्बाद कर दोगे ये पीता हो और रात में या जुए की आदत हो आप तो कह रहे हैं हाँ ठीक है अच्छा वैसे मैं कुछ कहता नहीं लेकिन इतना सब मैं क्या मैं बाहर ही रहता हूँ काम पर जानता है सब लेकिन बाहर हमार रहा है मैं तो क्या नौकरी पर सुबह जाता हूँ शाम को इतना ज़्यादा मैंने ज़्यादा नहीं पता लेकिन है ठीक ठाक ही है लोग घर वाले सब अच्छे हैं घर वाले सेट है कमाता लड़का और वो सब छुपा लिया कि वो पीता भी है या जुआ भी खेलता है या वो ऐसा है वैसा है आवारा किस्म का वो सब आपने पर्दा डाल दिया तो ये अगर आपने या गालियाँ बहुत देता है या उसका यानी क्या कैरेक्टर है आपने उसे बयान नहीं किया तो ये भी अमानत में खयानत है ये भी अमानत में ख़यानत है ये आपने उसके यानी उसने आपसे पूछा था आपको अब वहाँ बताना ज़रूरी था इसलिए कि उसकी ज़िंदगी का सवाल है चाहे लड़का हो या लड़की हो तो वहाँ बताना ज़रूरी है लेकिन और दिगर ऐबों में कि जहाँ दीन का नुकसान ना हो या किसी मुसलमान का नुकसान ना हो तो वहाँ ऐप छुपा लेना ये ज़रूरी है वहाँ छुपा लेना ज़रूरी है और वो फिर अमानत में शुमार होगा कि आपने अपने सीने ही में रखा और दुनिया से भी गए तो सीने ही में चला गया है तो बहरहाल इसी तरह से यानी कि किसी का राज किसी ने कहा किसी को बोलना मन यहाँ तो ये यह होता है कि जहाँ ये कह दिया हमने शेख सादी जो है ना वो फरमाते हैं शेख सादी शराजी पूरी दुनिया का चक्कर यानी लगाया घूमे फिरे और दुनिया के यानी तजर्बा उन्होंने हासिल किए आप फ़ारसी के बड़े माहिर हैं और फारसी में आपने किताबें लिखी है तो आपने यानी कि फरमाया कि जो बंदा यानी उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं उस आदमी से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं जो अपनी कोई बात किसी से कहे और उससे कहे कि किसी से कहना मत <ईद्णावाद> उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं इसलिए कि कि जब तूने उससे उससे कहा कहा और कहा कि कहना मत वो किसी और से कहेगा जरूर और वो आगे कहेगा कि कहना मत और तीसरा चौथे को कहेगा और कहेगा कि कहना मत और चौथा पांचवें से कहकर कहेगा कि कहना मत वो ये सिलसिला चलता पूरे गांव को पता चल जाएगा हर कोई कह कहना मत बोलना मत किसी को बताना मत लेकिन बता दिया है पूरी दुनिया को तो इससे बड़ा बेवकूफ़ अपने राज हम अपने तक ही महदूद रखें ये ज़्यादा ज़रूरी है एक अमानत जो है वो इल्म की अमानत होती है इल्म की अमानत और ये इल्म की अमानत भी बड़ी अहम है अल्लाह के रसूल शाहमा फरमाते जिसने कितमान बल्कि कुरान ने भी इसका ऐलान किया जिसने इल्म किया यानी इल्म छुपाया और ख़ासतौर पर यहूदियों का यही काम था इल्म छुपाना यानी कि जो सही है उसको छुपा लो उल्टा सीधा बता दो तो जिसने इल्म छुपाया उसके लिए भी बड़ी सख्त वहीद है और ये भी अमानत में खयानत है तो अमानत दारी से काम लेना चाहिए अमानतों तो में खयानत नहीं करनी चाहिए आ, कुछ यानी कि बातें ऐसी होती है मौलाना ने तो ऐसा तो कभी बयान ही नहीं किया भाई वो बयान करने की ज़रूरत ही नहीं है तुझे ज़रूरत ही नहीं है काम ही नहीं है तेरा काम नहीं तो तू क्यों जानना चाहता है उसको तो जिन चीज़ों का जानना ज़रूरी नहीं है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है उसको बयान करना ना बयान करना ये अमानत में ख़यात नहीं लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ थी फिर भी बयान नहीं की तो अमानत में खयानत है कोई मसला यानी कि देखा कि भाई ये ग़लती हो रही है और फिर उसके बावजूद भी अगर उसे बयान ना करें तो फिर वो अमानत में खयानत है <क्ष़़ग> और फिर बयान करते हैं तो फिर लोग बुरा मान जाते हैं कि मौलाना तो ऐसा बोला तो मौलाना क्या काम ही है बोलना ये काम ही है और तो फिर बोला ही जाएगा बहरहाल तो ये दो टाइप के लोग जो मैंने बताया ना इसमें हमको उन लोगों में शामिल होना चाहिए जो छुप वाले हैं छुपने वाले हों वैसे तो गुनाह ही नहीं करने चाहिए पहली बात तो है कि गुनाह नहीं करने चाहिए लेकिन अगर हो भी जाए तो हम उन लोगों में से हों कि जो छुपे हुए हों है ना खुले हुए नहीं कुछ लोग ऐसे एकदम बिल्कुल बेफिक्र होते हैं उन्हें दीन से कोई लेना देना नहीं तो खुलेआम गुनाह करते हैं सीना ठोक कर गुना करते हैं वो ये समझते हैं कि हम बड़े होशियार हैं अल्लाह कुरान में फरमाते ये सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं यही बड़े बेवकूफ़ हैं इसलिए कि इन्हें अभी अजाब का पता नहीं है जिस दिन इन्हें पता चलेगा अजाब का ये रोएंगे ये अफ़सोस करेंगे लेकिन तब अफसोस का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा तब रोने का भी कोई पछतावे का भी कोई फ़ायदा नहीं रोने का भी कोई फ़ायदा नहीं तब सीना पीटेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह की नाफरमानी सीना ठोक कर ना करें हम ये समझते हैं कि मौलवी ने तकरीर किया ना जुमा में हम खुलकर उसके खिलाफ करके बताएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल तू मौलवी के खिलाफ नहीं है तो अल्लाह रसूल के खिलाफ जा रहा है अल्लाह और रसूल के खिलाफ सीना ठोक कर मैदान में निकला है और जब तू अल्लाह और रसूल के खिलाफ निकला है तो तुझे बचाने वाला कोई नहीं जैसे कि जो बचाने वाले थे उन्हीं के तो अगेंस्ट तो आ गया जो बचाने वाले थे अल्लाह और रसूल उन्हीं के तो खिलाफ तू मैदान जंग में निकला हुआ है कहते हम मैं तो करूँगा तो फिर अल्लाह फरमाएगा मैं भी करूँगा मैं भी बताऊँगा तुझे ये अल्लाह तारा का वादा है कि फिर तू आ फिर मैं तुझे बताता हूँ बहरहाल इसी तरह से यानी कि आप देखें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें फितना हो कभी कभी ऐसा होता है वरना आप क्यों नहीं बोलते भाई ना बोलने में बेहतरी है बोलूँ तो फितना हो बोलने में फितना है ना तो ना बोलने में बेहतरी होती तो हम खामोश रहते हैं उससे अक्सर यानी लोग होते हैं आवाम क्या होती है वो अपनी सोच से सोचती है कि मौलाना इस पर क्यों नहीं बोलते मौलाना ये क्यों नहीं बोलते यूँ क्यों नहीं करते वैसा हर एक का अपना एक यानी कि मकाम होता है हर एक का अपना वक्त होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती कि ना बयान करने में भलाई है जहाँ फितने का अंदेशा हो वहाँ खामोशी अख्तियार करना बेहतर अल्लाह तला कुरान में फरमाता है फितना तो अशद मिनलकल किसी का मर्डर कर दो उससे भी खतरनाक है फितना फैले उससे भी ख़तरनाक है तो जहाँ फितने की बात हो वहाँ खामोश अख्तियार कर लेना बेहतर है अल्लाह के रसूल को देखें अल्लाह के रसूल सलासम ने खाने दिल की ख्वाहिश थी तमन्ना थी कि खाने कहाबा ऐसा बनाऊ लम्ब चौरस आगे से राउंड है ना ऐसा हो लम्बा और फिर हाफ राउंड हो आगे से कि हतीीम का हिस्सा भी अंदर आ जाए चौरस नहीं है ना हाँ लम्ब गोल लेकिन एक तरफ से चौरस है आगे जाकर फिर राउंड बनेगा ऐसा काबा बनाना था लेकिन ऐसा था तो ऐसा ही रहने दिया और कहा कि तमन्ना और दरवाज़ा इतना ऊंचा है इतना ऊंचा कि हाथ भी नहीं पहुंचे है तो क्या तमन्ना तो यह कि दो दरवाजे लगाऊं एक दोनों नीचे से हों एक से लोग जाएं दूसरे से निकले एक इधर से जाएं उधर से निकले है ना हर एक को खाने काबा के अंदर से गुजरने का मौका मिले ये दिल की तमन्ना है और खाने काबा को जो है ऐसा बना दूँ हतीम को भी अंदर शामिल कर लूँ दिल की तमन्ना थी लेकिन कभी आपने हालांकि मक् मुकरमा पर हुकूमत आई हुकूमत आ गई भाई अब तो मुसलमानों का कब्जा है अल्लाह के रसूल चाहते तो खाने क़ाबा की नई तामी करवा सकते अब ऐसा खाने क़ाबा कर दो ये कुफर मुश्रकिन की तमीर उसको तोड़ो कर सकते थे लेकिन सरकार फरमाते आयशा तेरी कौम के लोग नए नए मुसलमान हुए फितने में मुबतला हो जाएंगे तो फिर चुप रहो <laughs> तो बहरहाल कहने की बात यह है कि हमें जो है अमानत दारी से काम लेना चाहिए वादा वफ़ा करना चाहिए और अल्लाह ताला ने तारा नेब्दी सलाम को अमानत दारी ही पर ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया तो अब अल्लाह तौल उन्हीं यहूदियों के ताल्लुक से फरमाता वैसे हर एक के लिए भी है ख़ास जिक्र है यहूदियों का लेकिन हुक्म तो सब के लिए आम है रब फरमाता इनतरूनबिल्ला व इमान समन कलीला बेशक वो लोग कि जो अपने वादों को अपने अहद को और अपनी कस्मों को जलील और कम दामों पर खरीद बेचते हैं जलील और कम दामों पर क्या कर लेते हैं वो ख़रीद लेते हैं यानी कि अपनी कस्मों और अपने वादों को चंद सिक्कों की खातिर बेच देते हैं वादा भुला दिया क्या वादा अल्लाह ने तोरेत में इनसे वादा लिया था मेरा आखिरी पैगम्बर आए उसकी ये ये सिफ़त ये ये वो, साफ, वो ऐसा होगा वैसा होगा ईमान लाना है तुम लोगों को हतम उसी के ज़माने में सबने माना था हाँ लाना है लाना है हर कोई इंतज़ार भी कर रहा था कि हाँ ऐसे आएँगे तो हम ईमान ले आएँगे ऐसे आएँगे तो बल्कि कुफ़ान मश्रकिन से जंग होती तो उनको धमकियाँ भी देते आज तुम है ना इतरा लो आज हम पर झुल कर लो या हमें सता लो हमारे आखिरी पैगम्बर आने वाले हैं फिर देखना हमारी जंग यानी कि फ़तह होगी हम जीतेंगे ये बोलते भी थे बल्कि जंग में हारने की बारी आती तो दुआ भी करते अल्लाह वो आखिरी पैगंबर के सद के हमें फतह अता फरमा दुआएं भी कर लेते लेकिन जब आ गए अपना ऐद भूल गए अपना ऐद भूलें क्यों भूले भूले नहीं जान कर, उन्होंने बेच दिया ऐद को चंद सिक्कों की खातिर तो रब फरमाता समनन क़लीला समन कहते हैं कीमत को है ना और कलील माने थोड़ा सा थोड़ी सी कीमत के बदले में है ना थोड़े से दुनिया के माल के बदले में तुमने अपना अहद बेच डाला तुमने अपना वादा और अपनी कसमें बेच डाली है ना तो ये हालांकि इसके बहुत से शान नज़ूल में अभी बयान करता हूं रब फरमाता उनई का ला खलाकरहुम फिलाखरा ये वो लोग हैं कि जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है दुनिया की खातिर तुमने अपना दीन बेच डाला तो आखिरत में तुम्हारे लिए कोई हिस्सा नहीं वला वलाम योमयाम न अल्लाह उनसे कलाम फरमाएगा आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं अल्लाह उनसे कलाम नहीं फरमाएगा बातचीत नहीं फ़रमाएगा और न उन्हें देखेगा उनकी तरफ देखेगा अभी नहीं नजर रहमत भी नहीं फ़रमाएगा क्यामत के दिन वला वलाम उन्हें गुनाहों से पाक भी नहीं फ़रमाएगा वला यूजीम उन्हें पाक नहीं फ़रमाएगा वलहुम अज़ाबुन अलीम और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है उनके लिए दर्दनाक अजाब यह आयत का तर्जुमा था अब देखें इस आयत मुबारक का शान नज़ुल बहुत से बयान किए गए बहुत से शान नजुल बयान किए गए शान नजुल कहते हैं कि ये आयत किस बारे में नाजिल हुई वो वाक़ तो ऐसे बहुत से वाक़ थे जिनके ताल्लुक़ से तफासिर में आता है कि ये आयत फ़लाँ फलाँ के बारे में नाजिल हुई उनमें सबसे पहले ये किड़मा यहूद यहूदी और जो उसए यहूद थे यहूदियों के जो बड़े बड़े अमीर मालदार लोग थे उनके हक में ये मुबारक नाजिल हुई यानी कि बहुत बड़ा ताजर और बिजनस मैन था यहूदियों का अबू अबूराफ इब्न अबूक अबूराफ अबुल अबुलहकैक दूसरा ताजिर था काब इबिना अशरफ है ना ये दोनों बहुत बड़े बिजनेसमैन थे इसी तरह होया इबन अख्तब अपनी कौम का सरदार था ये यानी कि शायर भी था क्या नाम इसका काबिब् अशरफ है ना वो शायर भी था तो ये लोग अपने दीन के जाने वाले और ये यानी कि बड़े मालदार लोग थे है ना बाक़ायदा इनका अपना ज़ाती किला था बंगला महल वाला है, वाली बात नहीं बाकायदा पूरा अपना जारी किला था इनका काबि इबिना अशरफ का किला था और अबू अबूआफिब्न अबू हुकैैद का किला था और हया अब्न आख्तब जो है वो हयाबन अख्तब यहूदियों का सरदार था कत्ल किया गया मार दिया यानी मारा गया लेकिन ये खैबर के मौके पर जंग खैबर में और इन्हीं की इसी की बेटी है हत सफ़िया बिन तया इब्न अख्तब जो यानि कि जंग में कैदी बनकर आई फिर अल्लाह के रसूल ने उनसे निकाह फ़रमा लिया और वजवाज मतरात में दाखिल हुई मुसलमान साहब या उम्रमोमिन रसूल सल्ला वसम तो बहरहाल ये होया इब्न अखतब ये यानी क्याब इब्दिन अशरफ अबूरफ इब्दिनबूल होया इब्दाखब ये सारे जो हैं इनके बारे में यह तबारकर नाज़िल हुई कि जिन्होंने तोरेत के उस वादे को छुपा लिया कि जिसमें उन्होंने यानि वह आयत थी कि जिसमें यह था कि अल्लाह के रसूल सल्सम के ये औसाफ़ हैं वो आएँगे और उन पर तुम्हें ईमान लाना है और जब आयतें छुपाई मैंने वादा छुपा लिया अपना है ना आयतें छुपाई तो फिर उसके बाद उन्होंने कस्बे भी खा ली कहीं नहीं, अल्लाह की कसम ये वो नबी नहीं है जो हमारी किताब में लिखा गया ये वो नबी नहीं है उनके ये अवसाफ नहीं है अवसाफ़ भी चेंज कर दिए और जो अपनी तरफ से मन घड़त लिख लिया था कहीं नहीं वो नबी तो ऐसे होंगे ऐसे होंगे ऐसे होंगे देखो ये तो अलग ऐसे नहीं है ऐसे ऐसे होंगे जो असल ये असल पेश था उसे फाड़ कर छुपा दिया उसकी जगह दूसरा पेज लाकर उस पर खुद से लिख लिया अपने हाथों से लिखा पहले बारे में अल्लाह ने फरमाया जो उनके लिए वैल का आजाब है कि जो अपने हाथों से लिख कर कहते हैं कि अल्लाह की नासिल करता किताबें अल्लाह की नाजिल करदा आयतें हैं तो इन्होंने अपने हाथों तो से लिख दिया अब कहते हैं जो हक था वो छुपा लिया अहद छुपा लिया और अब ये कहते हैं हम झूठी कसम अल्लाह की कसम वो नबी तो ऐसे होंगे ऐसे होंगे ऐसे होंगे ये तो ऐसे नहीं है तो इन्होंने अल्लाह की कस्में भी झूठी खा ली उन्हीं के तल्ल से अल्लाह तबरक तारा ने यह तो आयात नाजिल फ़रमाई और ये काम क्यों किया सिर्फ इसलिए यार अगर सब इन पर हमने कह दिया कि हाँ ये वो सच्चे नबी हैं सब उन पर ईमान ले आए तो हमारा काम ही नहीं रहेगा लोग तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी उनके पास जाएंगे हमारे पास कोई आएगा नहीं उनका हुक्म मानेंगे हमारा कोई हुक्म मानेगा नहीं हमारी दुकान बंद हो जाएगी अक्सर आजकल के जो ढोंगी पीर होते हैं उनका ये हाल होता है ढोंगी पीरों का ये हाल होता है कि वो जो है लोगों को ओडमा से दूर करते हैं सच्चा पीर होगा ना वो खुद भी आलिम होगा सच्चा पीर होगा वो ख़ुद भी होगा है ना और अगर आलिम नहीं भी यानी बहुत बड़ा आलिम नहीं हुआ जरूरी नहीं कि बहुत यानी कि जो पीर हो जो अल्लाह का वली हो सबसे बड़ा आलिम हो ये कोई जरूरी नहीं है लेकिन ये कि इल्म तो होगा इल्म तो होगा उसके पास वो जाहिल तो नहीं होगा और वो अलमा से दूर नहीं करेगा करीब करेगा है ना कभी किसी कोई मसला आ गया कि भाई ये मसला तो पीर साहब ये नहीं कहेंगे अरे वो उसमें पढ़ने का नहीं नहीं वो ही नहीं कहेंगे वो नहीं कहे अलमा से पूछो आलिम बैठे हैं हाँ भाई आप बताएं वो यूं डायरेक्ट ऐसे करेगा तो ये होगा वो सच्चा पीर होगा या तो खुद आलिम होगा या अगर इतना ज़्यादा इल्म नहीं थोड़ा सा इल्म ज़्यादा नहीं है तो वो मुफ्तिया ने की तरफ लोगों को फेरेगा कि ठीक है ये मसला तुम उन लोगों से उनसे पूछो मुफ्ती साहब मौजूद है उनसे पूछ लो वो यूँ कहेगा और जो जाहिल पीर होगा ढोंगी होगा वह कहेगा मौलवी मुल्लाओं के चक्कर में पड़ने का नहीं उनकी सुनने की नहीं वो यूँ समझाएगा क्यों इसलिए कि ये अगर मौलवी के चक्कर में पड़ा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी इसलिए कि मौलाना जो होंगे वो सच बात बता देंगे हक बात बता देंगे तो हमारा तो सब आज ये अजमेर के यानी खादिमों को आला हजरत से अख्तराफ़ क्यों है क्यों है अखतराफ़ वो क्यों आला हजरत से चिढ़ते हैं आला हजरत ने एक कब्र पर यानि अल्लाह के आम मोमिन की कब्र पर तो एक भी चादर नहीं होनी चाहिए फूल चढ़ा सकते हो और अल्लाह का वली हो तो कपड़े की एक चादर फूलों की जितनी हो लेकिन कपड़े की सिर्फ़ एक चादर होनी चाहिए एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक से ज़्यादा वेस्ट है ने फतवा फरमाया तो इनको लगी यार ये क्या हमारा धंधा बंद करने की बात करें फरमाया औरतों का आ हराम भाई औरतों से तो हमारा कारोबार चलता है मर्द क्या आएंगे है ना ज़्यादा तो औरतों ही से हमारा तो उनको लगा बुरा है ना कि यार ये कव्वाली हराम आदत ने फरमाया कव्वाली भाई कव्वाली ये या हमारे यहाँ तो उसके बगैर काम ही नहीं चलना है ना रात भर हम आधी रात तक बैठेंगे और उसी में पैसा उड़ाया जाएगा और हमारे पास भी बहुत कुछ नोट जमा हो जाएगी तो ये तो इनका काम है तो उन्हीं के ख़िलाफ़ अलाद के फतवे हैं तो वो चिड़ते हैं कि नहीं आलाद को मानना ही नहीं वो चाहिए ही नहीं वो आदमी नहीं चाहिए हम अपना चलाएंगे, वो क्यों नहीं चाहिए इसलिए कि लोग अगर उनको मानने लग जाएंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी लेकिन अगर वो वाकई शरीयत पर अमल करें और वाकई वो यानी कि पाबंद शरा हो जाएँ अल्लाह गैब से उनकी रोज़ी का इंतज़ाम फरमा देगा अब ये ख़ुद मुता के ऊपर हो जाए बाकायदा बाशरा हो जाए मुत् के ऊपर हेजगार हो जाए नमाज़ों के पाबंदो नमाज भी नहीं पढ़ते लेकिन हो जाए अगर ऐसे तो आप देखेंगे लोग तो फिर भी पहुँचते हैं तो खादिमों को तो कुछ ना कुछ तो दे कर ही आएँगे दे कर ही आए भैया ख्वाजा के दर के खादम हैं तो कुछ ना कुछ तो उनका इंतज़ाम होना ही है ऐसा नहीं कि अल्लाह अल्लाह ने जिसका जितना रिस्क लिखा है वो उसको उतना मिलना है अब वो ये उस पर है कि वो हराम तरीके से कमाता है या हलाल तरीके से कमाता है लेकिन जितना है उतना ही मिलना है उससे ना कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा बहरहाल दूसरी यानी कि दूसरा शान नजुल जो बयान किया जाता है ये कि यहूदियों ने इससे पहले की जो आज थी उसमें बयान हुआ था कि यहूदियों ने कहा कि मुसलमानों का माल वो तो उम्मीद है अनपढ़ है मक्का के लोग और मुसलमानों का माल खाना तो हलाल है यानी कि दबा लो गसब कर लो कोई मसला नहीं तौरत में इजाजत है ऐसे बेदी का माल खाने की तो अल्लाह ने फरमाया कि, कि अल्लाह पर झूठ बोलते अल्लाह ने तोरेत में कहीं भी ऐसा बयान नहीं फरमाया है न फ़ान मशरकिन का माल खाना भी इस तरह से गसब करके है ना हड़प करके खाना जायज़ नहीं है तो आ, कहते हैं यहूदियों ने जो इस तरह की बात कही कि उसमें कोई गुना नहीं है तो आ, उस पर और उस पर वो झूठी कसम भी खाते थे कि ये अल्लाह का हुक्म है अल्लाह ने उनके रद में यह आयत उम्बार का फरमाया कि क्यों अल्लाह का हुक्म बदल रहे हो थोड़ी से पैसों की लालच में बदल देते हो? इसी तरह से एक शान नजुल ये बयान किया गया कि अशा इब्ने कैस किंदी वो ये फरमाता अशाश इब्न कैश किंदी रदील आप फरमाते हैं कि ये आयत मेरे बारे में नाजिल हुई है ये आयत मुबारक मेरे बारे में नाजिल हुई और वो क्या कि एक यानी कि मेरा एक आदमी से ज़मीन के बारे में लड़ाई झगड़ा चल रहा था ज़मीन के ताल्लुक से लड़ाई झगड़ा चल रहा था वो मुद्दई था दावा करने वाला वो था और उसने मुझ पर दावा किया था कि मैंने उसकी ज़मीन खा ली है है ना उसकी ज़मीन मैंने हड़प कर ली ये उसका दावा था मुझ पर था तो मुझ पर यानी हम पर दोनों यानी मुकदमा चला अल्लाह के रसूल की बारगाह में मुकदमा पेश हुआ तो हुजूर ने सबसे पहले वो जिसने दावा किया था उससे फरमाया लाओ भाई गवाह पेश करो अगर तुम्हारा ये दावा है तो गवाह पेश करो उसने कहा मेरे पास गवाह तो नहीं है सरकार ने फरमाया अगर तुम्हारे पास गवाह नहीं है तो आशा सिप ने कैस किंदी जो है वो कसम खाएगा और इसकी कसम पर फैसला होगा ये कसम खाएगा <coughs> तो जब यानी कसम खाने की बात आई तो आपने फरमाया चल अर्षा कसम खा तो मैं कसम के लिए तैयार हुआ कि जी बिल्कुल मैं खाता हूँ कसम मैं तैयार हो गया कसम खाने के लिए अल्लाह ने आयत मुबारक नाज़िर ना फ़रमा दी इन्ह नेदिन एशतरून बदान खरीदा है ना अल्लाह ने आयत नाज़िर ना फ़रमा दी कि जो झूठी कस्बें खाते हैं और अपने अहद को बेच देते हैं दीन को बेचते हैं वादों को बेच देते हैं कस्बों को बेच देते हैं थोड़ी सी कीमत के लिए है ना झूठी कस्बें खा लेते हैं तो उनके लिए आखिरत में ये ये अजाब ये ये वहीदे हैं याद ना ज़रूरी मैंने कहा यार मैं पीछे हट गया मैंने कहा कि मैं कसम नहीं खाता है ना ये ज़मीन इसी को दे दो दे दो इसी को दे दो मैंने कसम नहीं खाई कि हो सकता है अगर झूठा निकला तो यार ये सारी वईज़ें हैं इतना अजाब है तो मुझे कसम नहीं खानी एक कॉल ये है इमाम मुजाहिदी इबिन जबर आ, हत अब्दुल अब्बास के शागिरदे हैं और बड़े अज़ीम उफसर हैं आम फरमाते हैं कि या तो करीमा उस बिज़नेस मैन और उस ताजिर के बारे में नाजिल हुई है कि जो अपना माल बेचने के लिए झूठी कस्में खाता है माल बेचने के लिए झूठी कसम खा लेता है ना अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ मेरे घर में नहीं इतने में नहीं पड़ता झूठी तो वो भी झूठी कसम खा रहा है सिर्फ इसलिए कि उसका माल उतनी कीमत में बिक जाए सिर्फ बेचने के लिए तो कहते हैं उसके बारे में ये आता कि जरा भी शर्म नहीं आती थोड़े से दुनियावी माल के लिए झूठी कस्में खा लेता है अब तक अल्लाह से किया हुआ वादा भूल जाता है है ना तो कहते हैं ऐसे ताजर के बारे में यह आते हैं ना, मुबारक नाज़िल हुई जो झूठी कस्में खाता है अपना माल बेचने के लिए एक तफसीर पाँचवीं तफसीर ये भी बयान की जाती है अब्दुल औफा फरमाते हैं कि एक शख्स ने बाज़ार में सामान रखा एक शख्स था उसने बेचने के लिए सामान रखा एक ग्राहक ने उसकी कुछ कीमत लगाई जब कीमत लगाई तो ये यानी कि बोला जिसने सामान बेचने के लिए रखा था वो बोला कि अल्लाह की कसम है ना तो उससे पहले एक ग्राहक आया था वो तो इससे ज्यादा में मांग कर गया है मैंने उसको नहीं दिया तो तू तो उससे कम में मांग रहा है कैसे दे दूँ हालांकि कोई ग्राहक लेने आया ही नहीं था कोई ग्राहक आया नहीं था ऐसा होता है ये भी आजकल भी चलता है है ना अरे कसम खाकर कह दिया कि अल्लाह की कसम ये है ना इससे तुम तो यानी पंद्रह हज़ार में मांग रहे हो अट्ठारह में मांग कर गया लेकिन मैंने नहीं दिया और तुम पंद्रह में मांग रहे हो नहीं कसम झूठी कसम खा कर हालांकि भाई कोई आया ही नहीं इसको ख़रीदने के लिए लेकिन झूठी कसम खा ली मैंने तो कहते हैं कि उसने झूठी कसम खाई और इस तरह की बात कही तो आ, कहते हैं कि यह मुबारक नाजुल कि इस तरह की झूठी कस्में दुनिया के थोड़े से माल के लिए न खाई जाए एक यानी कि छठी तफसीर जो है वो हदीस मुबारक इमाम अहमद हम्बल ने इससे अपने मुस्त में बयान किया और बहुत से लोगों ने कि दो लोग थे एक कबीले से ताल्लुक रखता था और एक हज़र मौत से उसका ताल्लुक था और ये दोनों के दरमियान जो है ना वो किसी बात पर झगड़ा हो गया मुकदमा हजूर की बारगाह में पेशवा हुआ कैस का एक शख्स था और एक हज़र मौत का शख्स था दोनों का झगड़ा जो है हजूर की बारगाह में आया हजूर ने जो है ना वो चूँकि हजरमी जो हज़र मौत का था हजरमी वो मुद्दई था इमरास के कबीले वाले के ख़िलाफ़ तो हुजूर ने फरमा क्या भाई हज़रमी जो है वो गवाह पेश करे इसे मुद्दी है जो मुद्दई होगा दावा करेगा उस पर गवाह पेश करना तो कहा कि गवाह पेश करो तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास अर्ज़ किया कि हुजूर मेरे पास तो गवाह नहीं है मेरे पास तो गवाह नहीं है तो सरकार ने फरमा ठीक है तो फिर कबिल इमरस का जो शख्स है वो कसम खाएगा तो हजरमी ने कहा यार सोलह तब तो वही ले जाएगा तब तो वही ले जाएगा वो जीत जाएगा कहा क्यों वो तो झूठी कसम खा लेगा तो मेरे हाथ से तो निकल जाएगा मेरा मेरी चीज़ तो सरकार ने यानी कि फरमाया अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई अपने यानी कि भाई का माल इस तरह झूठी कसम खाकर हड़प कर ले मार ले दबा ले तो अल्लाह तबारक तआला के ये ये उसके लिए अजाब हैं ये सारे अजाब बयान किए ये ये अजाब हैं तो वो जो इमरानल कैस वाले जो शख्स थे है ना उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह यानी अगर कोई शख्स ऐसा हो कि यानी वो सच्ची कसम भी ना खाएं झूठी कसम तो दूर की बात बात आई है कसम खाने की मैं खाऊं और सच्ची हो लेकिन फिर भी मैं ना खाऊं अगर कोई बंदा सच्ची कसम ना खाए और अपना माल छोड़ दे के भाई जाती के ले जा मुझे नहीं चाहिए जब तू ही रख ले अगर छोड़ दे तो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तब तो फिर अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा तो इन्होंने कहा यारसोल्ला आप गवाह रहे हैं मैंने अपनी ज़मीन छोड़ दी आप गवा रहे हैं मैंने अपनी ज़मीन छोड़ मुझे सच्ची कसम भी नहीं खानी झूठी तो दूर की बात मैं सच्ची भी कसम नहीं खाता मैंने ज़मीन छोड़ दी एक वाक़ मुझे याद आ रहा है इस ज़मीन की बातें आ गई तो एक वा, वाक़ याद आ गया बुखारी शरीफ की रिवायत के रतिस साद अल्लाह मसैब रदगी हदसिस इब्न जैद अल्लाह तुन अशर मुबराम से हैं सब रसूल हैं हैंद इब्न जैद अल्लाह तुन और आप जो है उम्र के साल हर उमर के बहनों ही हैं हर सैद अब अशरम मुबर में से दस जन्नती साहबा में से उनका एक उनके पड़ोस में एक औरत रहती थी, थी ना उससे झगड़ा चल रहा था एक बालिशत ज़मीन के लिए एक वैथ की एक बालिशत की ज़मीन थी इतनी ज़मीन इस पर झगड़ा चल रहा था तो मुकदमा पहुंच गया बादशाह के पास अब्दुल मलिक अब्दुलमलिकब्न मरवान के पास अब्दुल अब्दुलमलिक उस वक्त उस ज़माने में जो है ना यजीद के भी बात की बात है तो अब्दुल मलिक अब्दुलमलिकब्न मरवान के दरबार में पहुंचा तो या मरव सॉरी मलिक नहीं मरवान अब्दुल मलिक का बाप मरवान तो मरवान हकम के दरबार में मामला पे पहुंचा मरवान ने कहा आप, कि आप यानी कि ये इसने शिकायत की कि आपने इसकी एक बारिश ज़मीन हड़प कर ली है उसने कहा अल्लाह हू अकबर ऐसा हो ही नहीं सकता मैं कैसे किसी की ज़मीन हड़प कर सकता हूँ जबकि मैंने अल्लाह के रसूल की हदीस सुनी है मुस्लिम शरीफ में मेरी है कहते मैंने ये हदीस सुनी अल्लाह के रसूल की कि सरकार ने इर्शाद फरमाया कि जो बंदा किसी की जरा सी भी जमीन जरा सी भी ज़मीन अगर हड़प करेगा तो कल क़यामत में उस ज़मीन के सातों तबकात सात ज़मीनें हैं तो सातों तबक़ात हार बनाकर तोक बनाकर उसके गले में डाल दिए जाएंगे उसके गले में डाले जाएंगे है ना अब सवाल पहले हमारी तीसरी गर्दन है इतनी बड़ी ज़मीन के साथ तो, यानि कि तबक़ात वो हमारे गले में कैसे आएंगे अल्लाह अजाब बढ़ाने के लिए सख्ती के लिए यानि सख्त अज़ाब के लिए हमारे बॉडी को भी बढ़ा देगा हमारी गर्दनें भी मोटी मोटी हो जाएगी और वो अजाब दिया जाएगा यहाँ तक कि किसी की एक दाढ़ उहद पहाड़ के बराबर होगी इतनी बड़ी बॉडी हो जाएगी क्यों ताकि उसे बराबर बर से अजाब मिले बराबर बर उसे अजाब दिया जा सके इसलिए है ना एक बंदा अभी इतना सा छोटा सा सर है एक हथौड़ा मारो तो कचुम्बर निकल जाए एक यानी कि वो जो गदा टाइप का था घुस जाता है एक मारो तो कचंबर निकल गया तो दूसरी बार मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है ना लेकिन वही अगर इस पूरी मस्जिद जितना अगर हमारा सर हो तो तो पीट पीट के पीट पीट के कितना पीट आ जाएगा तब जाकर वो चपटा होगा है ना तब कचिम्बर होगा तो कितनी ज़्यादा है ना तो कहने की बात यह कि ये इससे यानी गर्दन भी ऐसी बड़ी कर दी जाएगी और उसमें तोक पहनाए जाएंगे कहते मैंने हदीस सरकार की हदीस सुनी फिर मैं ये काम करूँ हज मरवान ने कहा आपने सच कहा आप ऐसा कर ही नहीं सकते आप अल्लाह के रसूल के साहबी हैं हदीस सुनी है सरकार से सरकार की जबान से सुनी फिर आप ऐसा काम करें ऐसा हो ही मैं नहीं मानता ऐसा हो नहीं सकता लेकिन से, लेकिन ये इसने शिकायत की है तो हज़त सर सर ने कहा कि ठीक है उसको वो ज़मीन दे दो उसको ज़मीन दे दो अगर वो सच्ची है अगर तू सच्ची है जा ले जा अगर तू सच्ची है ना तेरी ज़मीन है तो तू ले ले अल्लाह अब दुआ कर रहे हैं अल्लाह अगर ये अपनी बात में झूठी हो तो जब तक ये अंधी ना हो जाए इसे इसी की यानी कि अंधी हो जाए और इसे इसकी ज़मीन ही में मार इसे इसकी ज़मीन ही में मौत देना कहते हैं कि उसके बाद वो इतनी बूढ़ी हुई कि अंधी भी हुई आंखें चली गई है ना और अंधियों के वो यानी कि यानी टटोलते टटोलते हुए चलती थी और लोगों ने पूछा कि यानी वो अक्सर कहाँ खुद कहाँ करती थी कि सैद जैद की बददुआ का असर है कि मैं अंधी हो गई मेरी आँखों की रोशनी चली गई फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी ज़मीन ही में एक कुआँ था उसी में वो गिर के मर गई उसी की ज़मीन में उसकी मौत आई तो बहरहाल उधर सैद जैद रदगी उनकी है ना बात सच्ची भी हो गई है ना अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई कि उसे ये सख्ती यानी कि सहनी पड़ी बहरहाल तो क्या ना कि बात यह कि अल्लाह के रसूल औसम ने उन्हें जब ये बात बताई तो यानी कि ये लोग जो है उन्होंने ज़मीन छोड़ दी हजरत सैन जैद ने अपनी ज़मीन छोड़ी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा की खातिर तो झूठी कस्में खानों से खाने से अल्लाह तबारक ताली ने यहाँ मना फरमाया अब ये यानी कि इस आयत मुबारक में अल्लाह के रसूल से ख़िताब हो यानी फरमा अल्लाह ताली और फरमाता कि महबूब ये जो थोड़े से माल की खातिर थोड़े से जलील दुनिया के हकीर और जलील माल की खातिर ये अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ देते हैं झूठी कस्में खा लेते हैं तो गोया के ये आला जन्नत को छोड़कर आला जो जन्नत है जिसका बदला उसे छोड़कर ये अदना दुनिया के है ना हकीर माल दौलत को इख्तियार करते हैं हालांकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अगर अल्लाह की नज़र में दुनिया की औकात दुनिया की हैसियत ये दुनिया दुनिया मतलब सिर्फ गोला नहीं इसमें जितने माल हैं ना तेल डीजल ऑयल पेट्रोल सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सारी नेमतें फल फ्रूट्स अनाज गल्ला सब कुछ जितना भी है हर आदम से क़यामत तक जितना भी होगा कहते हैं अल्लाह की नज़र में अगर ज़मीन की औकात और हैसियत अगर एक मच्छर के पर के बराबर होती ना अगर मच्छर के एक पर के बराबर भी होती तो अल्लाह काफिर को एक फूटी कौड़ी भी नहीं आता फरमाता एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता मतलब यह है कि अल्लाह की नज़र में दुनिया की हैसियत मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं है इसलिए इनको इतना सब दे दिया है इसलिए इतना दे दिया है ना अल्लाह की नज़र में तो जो हैसियत और जो अजमतें हैं वो सब आखिरत की है वो जन्नत की है तो हमें भी चाहिए कि हमारी निगाहों में भी दुनिया से ज़्यादा दुनिया का हम यानी कि सोचें लेकिन दुनिया से ज़्यादा हम आखिरत की फ़िक्र करें तो अल्लाह के अल्लाह तबारको ताली ने इस में ऐसे लोगों के लिए पांच कस्में बयान फरमा पाँच सज़ाएँ बयान फरमाई है और वो ये कि एक ही कि अल्लाह तबारको ताल आखिरत में क़्यामत में जो है उन्हें रहमत इलाही से कोई हिस्सा आता नहीं फरमाएगा आखिरत में अपनी रहमत में से कोई हिस्सा नहीं आता फरमाएगा कब्र में आराम मिलेगा न हशर में आराम मिले न जन्नत में ना जन्नत मिले न ही जन्नत में हूर और महलात और यानी कि आराम मिले और इसी तरह से अल्लाह की रजामंदी भी नहीं मिलेगी आखिरत में है ना एक ही सज़ा दूसरा ये दूसरी सजा है कि अल्लाह तबारक तो वाली उनसे कलाम नहीं फ़रमाएगा शर्फ कलाम से महरूम फरमा देगा अब अगर किसी से कलाम काफिर से कलाम भी किया कि तूने क्या किया क्यों नहीं मान रहा तो वो भी फरिश्ते के जरिए फरमाएगा अल्लाह डायरेक्ट कलाम नहीं फरमाएगा अहले ईमान से डायरेक्ट ऐसे लोगों से बिलवास्ता फरिश्तों के जरिए तो आ, उनसे कलाम भी नहीं फरमाएगा या ये कि कलाम रहमत नहीं फरमाएगा सख्ती वाला कलाम अजाब वाला कलाम फरमाएगा तीसरी सजा ये कि क्यामत के दिन उन पर अल्लाह नजर रहमत नहीं फरमाएगा है नज़र करम नहीं फ़रमाएगा ये अल्लाह के दीदार से भी महरूम होंगे और अल्लाह की नज़र रहमत से भी महरूम होंगे और फिर अल्लाह इन्हें पाक नहीं फ़रमाएगा यानी इनके गुनाह मुआफ़ नहीं किए जाएंगे और न इनकी अल्लाह तारीफ़ फरमाएगा अब इतने सारी महरूमियों के बाद फिर अल्लाह फरमाता आजाबनि इनके लिए इतनी सारी महरूमियाँ और फिर इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा आख़िरत में क़यामत में असा अज़ा, दर्दनाक अजाब होगा अब ये कि ऐसा सख्त और दर्दनाक अजाब के जिसकी बड़ाई और उसका दर्दनाक होना हम बयान नहीं कर सकते कि कितना ख़तरनाक होगा है ना इतना, इतना सख्त अजाब होगा अल्लाह ताला जो है तौ जी आतबार का यहूदियों के बारे में नाज़िल फरमा तो यहूदी हैं कुफ़र मुशरकिन हैं और जितने भी बददीन हैं दीन इस्लाम के अहले ईमान के सिवा तो उनके हक़ में तो यही होना है उसके सिवा और कुछ नहीं होना और वो मुसलमान कि जो बदहदी करें जो अपने वादों को भुला दें वो मोमिन कि जो झूठी कसमें खाएं तो फिर ऐसे लोगों के लिए आ, फिर ये हमें कहना पड़ेगा कि अवला जब उनकी बख्शिश नहीं होगी अल्लाह ये सारी सज़ा इन्हें देगा लेकिन फिर उसके बाद में सज़ा भुगत कर ईमान की वजह से एक दिन उन्हें निकाला जाएगा और जन्नत दी जाएगी जन्नत में अदना दर्जा थर्ड क्लास दिया जाएगा जन्नत में उन्हें है ना अदा दर्जा दिया जाएगा लेकिन मेरा अगर ईमान है ज़रा सा भी ईमान है तो जन्नत मिलेगी तो हमें ईमान की हिफाजत की ज़रूरत है के रसोलन ने की, में मुस्लिम की, रिवायत है। की फरमाते हैं कि तीन लोग हैं किमत में उनसे नहीं फरमाएगा तीन लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह कलम नहीं फरमाएगा क्या ना ही उनकी तरफ नजर रहमत फरमाएगा और ना ही उनके गुनाहों को मुआव फरमाएगा और उन्हें उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा वह कौन लोग हैं कहते हैं सब ने बुझा रसोल्ला वो कौन लोग है? वो कौन लो? तो अल्लाह के रसोल ने करीमा पहले पढ़ी उसके बाद फिर आप हतरग फार्ला ने किया कि वो कौन लोग हैं ऐसे लोग कौन हैं तो सरकार ने फरमाया कि है ना वो तीन लोग कौन हैं पहले तो यह आय पड़ी तो इसमें तो यहूदियों का वगैरह का जिक्र है जो आहद तोड़ते हैं और जो झूठी कस्में खाते हैं तो हदबर का वीन लोग कौन हैं कि जिनकी तरफ ये ये नहीं होगा तो अल्लाह के रसोल शाह इजहार को यानी कि हमारी तहबंद को लुंगी को सलवार को पैंट को जो भी हो उसे टखनों से ये जो भरी हुई हड्डी है ना टखने उसे कहते हैं उभरी हुई हड्डी पैरों में उस टखनों से नीचे अगर पहनते हैं अल्लाह ताला ऐसों को भी अपनी नजर रहमत भी नहीं अता फरमाएगा गुनाह भी माफ़ नहीं फरमाएगा उनसे बातचीत भी नहीं फरमाएगा जो तकबुर से ऐसा पहनते हैं घमंड से ऐसे इतराने के लिए इतराने के लिए आजकल कौन है जो सीधा साधा होकर पहनता हो हर कोई इतराने के लिए पहनता है ये बताने के लिए पहनता है कि देखो मैंने तो ऐसा तो जो इतराने के लिए इस तरह का लिबास पहनता हो कि टखनों से नीचे हो तो अल्लाह से बरको तारा की यह सज़ा उनके लिए है दूसरा अल्लाह के फरमाते हैं कि दूसरा वो जो एहसान जताता हो यानी आपने किसी पर एहसान किया फिर आप एहसान जताएं ओह तू क्या बात करता है भाई मैंने तेरे से ये किया था मैंने तुझे ये दिया था मेरा तुझ पर यह एहसान ये एहसान एहसा जतलाना हुआ भाई एक वो कहते हैं ना कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले मैंने ऐसे देना चाहिए और ऐसे किसी की मदद करनी चाहिए और मदद करने के बाद एहसान नहीं जतलाना चाहिए कि मैंने किया था आप है ना बल्कि ऐसे हो जाएँ कि मैंने कभी तेरे लिए कुछ किया ही नहीं मैंने कभी तेरे लिए कुछ किया ही नहीं तो कहते हैं जो एहसान जताने वाला होगा अल्लाह ताला उससे भी ये सज़ा आता फरमाएगा और जो बंदा जो ताजर झूठी कस्में खाकर अपना सामान बेचता होगा उसके लिए भी यही यानी कि सज़ा है तो बहरहाल अल्लाह तबारक तारा हमें इन बुरे कामों से महफूज़ फरमाए झूठी कस्मों से वादों को तोड़ने से और इस तरह के अब बस वो मैंने क्या वो याद रखें कि अगर गलत काम पर वादे हैं और गलत कामों पर अगर कस्में खाई हैं तो उनको पूरा करना जायज़ ही नहीं है तो उनको ना पूरा करें वो वादे और कस्में ना निभाएं जो हलाल है शरीत में जायज़ हैं उन वादों और कस्मों को हमें निभाना ज़रूरी है अल्लाह तबारक तआला हमें नेक तौफीक अता फरमाए असल व वर्क